यहाँ पर शुरू में बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक वन पीस नहीं देखा उन लोगों को मैं ये वाली वीडियो रिकमेंड करूंगा। और तुम से जो लोग वन पीस देख रहे हो बट अभी तक 408 से 421 एपिसोड वाली आर खत्म नहीं किया तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सब बात करने जा रहे सबसे ज्यादा साक्षीस्ट आर्क के बारे में वन पीस के, जिसके अंदर सारे के सारे लड़कियां, ओनली लूफी एक अकेला बंदा है एक आइलैंड पे, एक बढ़िया बैक स्टोरी प्लस मेरी न्यू वाइफू। तो या दिस इज वन पीस आर्क रिव्यू एपिसोड 10 एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अमेज़न लिली। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वाले वन पीस आर्क में देखा सबाउडी आर्क, जो कुमा है वारलॉर्ड, वो सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स को गायब कर देता है, एकदम से अलग अलग जगह भेज देता है। एंड यहाँ पर जो अमेज़न लिली है, यहाँ पर बस लूफी को दिखाया जाता है, लूफी उड़ता रहता है, एकदम से उड़ता रहता है, एक दो तीन दिन तक बस उड़ता ही रहता है, और सडनली वो जाके लैंड करता है एक आइलैंड पे, जो आइलैंड बहुत ज्यादा खतरनाक है। और लैंड करने के बाद उसको थोड़ा बहुत होश आता है, जो पुराने मेमोरीज है ऑफ सबाउडी वो उसको याद आता है, जितने क्रूमेट से सारे के सारे गायब हो रहे हैं एक के बाद एक, एंड वो रो रहा है, वो देख के यार बुरा लगा सच्ची में। और तुम लोग तो लूफी को जानती हो कि वो कैसा है, वो एकदम से उठता है और भागने लगता है अपने जो क्रूमेट्स है उनको बचाने के लिए, उसको पता भी नहीं वो कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर है, वो बस भागने लगता है भागने लगता है। लूफी के पीछे कुछ और भाग रहा था, लूफी के पीछे जो था वो लूफी को खाने वाला था। और यहाँ पर फिर से तुम तो लूफी को जानते हो, जब उसको भूख लगता है भाई वो सब कुछ खा सकता है, तो वो सडनली देखता है कि उसके पीछे कुछ है जो पीछा कर रहा है उसको खाने के लिए, बट होता क्या है वो उल्टा खा जाता है उसको। या ब्रो दैट्स लूफी फॉर यू। फिर इतना ज्यादा खाने के बाद भी लूफी का पेट नहीं भरता है, तो वो आसपास जितने मशरूम्स है वो खाने स्टार्ट कर देता है, बिना ये जाने कि कौन सा पॉइजन वाला है कौन सा पॉइजन वाला नहीं है। और या वो पॉइजन वाला ही खा लेता है भाई, एंड दोस मशरूम्स वेयर पैरासाइट मशरूम्स, जिसको खाने के बाद अंदर से एकदम बॉडी के सारे हिस्से से मशरूम ही मशरूम आता है भाई। और उससे कुछ ही देर बाद हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं कूजा से, जो उस आइलैंड के फीमेल वॉरियर्स है उनको बोलता है कूजा, और वहां पर हम लोग कूजा के मार्गुरेतो और स्वीटोपिट से मिलता है। वो दोनों लूफी को बहुत ही बुरे हालात में देखता है, एंड वो दोनों हेल्प करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनको लगा था कि वो लूफी जो है वो लड़की है, एंड इसके लिए वो मदद करने आ रहा था। और ये जो आइलैंड है, जितने नॉन वन पीस फैन देख रहे हो, ये तुम लोगों के लिए है, जितने नॉन वन पीस फैन है ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों को बता देता हूँ ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड के अंदर सारे के सारे लड़कियां हैं, ओनली गर्ल्स, यहाँ पर लड़के बंदे अलाउ नहीं है भाई, सारे लड़की, अगर बंदा आया तो उसको मार दिया जाएगा भाई। एन आइलैंड विद फुल ऑफ गर्ल्स, ब्यूटीफुल साक्षी, एंड आगे तुम समझदार हो, वहां पर एक ही बंदा है लूफी। अब मजे मजे है, बट लूफी के लिए मजे नहीं, क्योंकि उसको इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फिर मार्गुरेतो और स्वीटो भी लूफी को विलेज लेकर जाते हैं, और सब लोगों से मिलवाते हैं कि ऐसे ऐसे एक लड़की को हम लोगों ने ढूंढा, एंड ये हाल उसका जो है ना वो बेहाल हो गया है। तो वहां पर लूफी को ठीक करने के लिए जो करता है भाई, एकदम आग लगा देता है। फिर कूजा के वहां पर जो मेन है वो मार्गुरेतो और स्वीटोपी को बोलती है कि लूफी को लेकर जाके थोड़ा नहलाने के लिए, क्योंकि वो उसका हाल एकदम बेहाल हो गया था बहुत ही ज्यादा। तो वो लोग लेकर जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो लेकर जाके भाई सच्ची में रिवर में डाल के नहला रहे थे दोनों मिलके, एकदम सब कुछ खोल बोल के कपड़े, एंड सडनली वो लोग नोटिस करता है एक चीज, हमारा अनमोल रतन। और उस आइलैंड में कभी कोई बंदा नहीं आया, वो लोग कभी बंदों से मिले नहीं, तो उनको पता नहीं कि अनमोल रतन क्या है। तो वो लोग एकदम से शॉक हो गए भाई, और अनमोल रतन को खींचना शुरू कर दिया भाई मशरूम समझ के, वादा है। सारे के सारे जितने लड़के हैं सब देख रहे थे खींचते हुए, एंड एक्साइटमेंट फील हो रही थी उन लोगों को। एंड तब भी जाके ग्रैनी आई, आने के बाद ग्रैनी को बोला कि भाई ये कुछ यहाँ पर है, हमको पता नहीं है क्या है, एंड ग्रैनी एकदम से बोलती है कि ये लड़का है, ये एक बंदा है। और उसके बाद तुम समझ लो वो आइलैंड पे कभी कोई बंदा गया नहीं, और पहली बार किसी बंदे को देख के सारे लड़कियां शॉक।
पर ये वाला आर्क बहुत मस्त था, थोड़ा फन था यार, चिल था, मजा आया। तो जैसे कि वहां पर बंदा अलाउड नहीं है, तो एक बंदा मिल गया तो उसको ऑब्वियसली बंद करना है, तो लूफी को बंद कर देता है एक जगह पे एकदम नंगा पोंगा बिना कोई कपड़ों के। फिर लूफी का होश आता है एंड वो पूछता है, भाई मैं नंगा क्यों, व्हाई, मेरे कपड़े कहां पर है। फिर उसके बाद वो जो लड़की है मार्गरेटो, वो एक बढ़िया सवाल करती है लूफी को कि ये चीज क्या है, ये बैग जैसी चीज दो टांगों के बीच में। उसके बाद लूफी का रिप्लाई भी मस्त था, They don't even know what are the balls, bro. Then Luffy बोलता है कि this is family jewels and वो लोग क्या समझते हैं? I don't know, सारे के सारे लड़कियां एकदम से भाई मतलब देखती रहती है भाई, उन लोगों ने कभी बॉल्स नहीं देखा तो या भाई। फिर लूफी को वो लोग कपड़े देते हैं बट कपड़ों के अंदर ना फूल पत्तों के डिजाइन विजाइन कर देते हैं एंड वो चीज लूफी को पसंद नहीं आता है एंड लूफी थोड़ा चिल्लाता है, सारे के सारे लोग ट्रिगर हो जाते हैं क्योंकि भाई एक तो वहां पर कपड़े डिजाइन करके दिए और ऊपर से लूफी चिल्ला रहा है एंड ऊपर से उस आइलैंड में बंदों को अलाउ नहीं है एंड स्टिल लूफी को जिंदा रखा गया, तो इसलिए सारे के सारे लड़कियां मिलकर लूफी को मारने जा रहे थे एंड लूफी एकदम से भाग जाता है, भागते रहता है, ऐसे कुछ देर तक चलता रहता है एंड सडनली वो जो लड़की है मार्गरेटो एंड लूफी अलग एक जगह पे जाके पहुंचता है। वहां पर कुछ होता है जिसके कारण जो मार्गरेटो है वो लूफी पे हमला नहीं करती है और उसके बाद थोड़ा लूफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है उस लड़की को कि उसके साथ पास्ट में क्या, उसके जितने दोस्त है सारे के सारे दोस्तों को जो वालोड है कुमा गायब कर दिए, एकदम से टच बच करके एकदम गायब कर दिए। तो उसका जो पास्ट सवारी वाला वो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था अच्छे से किया एंड बताया कि उसको वहां पर जाना है अपने दोस्तों को बचाना है, ये भी बोलता है कि वो पायरेट है और ये सुन के वो लड़की ट्रिगर हो गई क्योंकि उन लोगों को पायरेट पसंद नहीं है भाई, कुछ नहीं कर सकती यहाँ पर। और इन सब के बाद हम लोग एक झलक देखते हैं सबसे ज्यादा सुंदरी पूरे वन पीस के अंदर जो कैरेक्टर है, फीमेल कैरेक्टर बोआ हैंकॉक, उसकी एक झलक देखने को मिलती है और मैं कसम से दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ गाइस, एकदम होता है ना लव फर्स्ट साइट, मेरे साथ वो हो गया था। आई डोंट नो, ये अलग बात है कि जो बोआ हैंकॉक की एबिलिटी है वो भी लव वाला ही है बट मेरे ऊपर कोई एबिलिटी यूज नहीं किया बट स्टिल मैं प्यार में पड़ गया भाई और मैंने एकदम से वाइफू लिस्ट में डाल दिया उसको, मेरे टॉप वाइफू लिस्ट में भाई, कितनी मस्त है यार। को साथ साथ हम लोग नावी का जो वाइस एडमायरल है मोमोंगो उसको देखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि सारे के सारे जो वॉरलॉर्ड्स हैं उन लोगों को एक जगह पे लाने के लिए फॉर सम रीजन, और यह बताना ही भूल गया बोआ हैंकॉक एक वॉरलॉर्ड है भाई। फिर नावी का जो वाइस एडमायरल है मोमोंगो वो आता है, आने के बाद बोआ हैंकॉक को बोलता है जो इसका पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है, सारे के सारे वॉरलॉर्ड्स को एक जगह पे बुलाया गया है, तो बेसिकली यहाँ पर बोल सकते जो वाइस एडमायरल है मोमोंगो वो आया वॉरलॉर्ड जो है हमारी बोआ हैंकॉक उसको लेने के लिए, क्योंकि यार यहाँ पर इसको पब्लिक एग्जीक्यूट कराने की बात चल रही है, अगर ये सच में हुआ तो यार बहुत फाइट होने वाला है क्योंकि इसको बचाने के लिए उसके क्रूमेट्स आएंगे, बहुत बढ़िया फाइट होने वाला एक वार टाइप का और इसमें ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए होगा वॉरलॉर्ड्स की, तो वॉरलॉर्ड्स को एक जगह बुला रहे क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया और वॉरलॉर्ड गवर्नमेंट की सुनता है तो यार वहां पर जाना पड़ेगा। बोआ हैंकॉक अपने शिप से बाहर आती है एंड आते ही ना एक स्वैग दिखाते हैं यार, बुरा लगा वो देख के, आई एम अ कैट लवर बट स्टिल आई लव बोआ हैंकॉक। फिर बोआ हैंकॉक आके बोलते हैं शी डजंट केयर अबाउट नवी एंड गवर्नमेंट जो है उनको पसंद नहीं है, वो बस अपना जो वॉरलॉर्ड वाला पोजीशन है उसको कवर करना चाहती है एंड दैट्स। और ये सुन के नेवी का जो वाइस एडमायरल है मोमोंगो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, ये वो बोलता है बट हमारे बोआ हैंकॉक के डायलॉग बेस्ट वाला डायलॉग कि वो कुछ भी कर सकती है, शी कैन डू एनीथिंग बिकॉज़ そうよ。わらわが美しいから。美しいから。या भाई शी इज ब्यूटीफुल और वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। फिर वो हैंकॉक को अपनी जो एबिलिटी है वो यूज करते हुए देखते हम लोग लव लव बीम, भाई एकदम सूटेबल है उसके लिए उसके कैरेक्टर के साथ एंड सारे के सारे जितने नेवी है सबको एकदम से स्टोन बना देती है भाई। फिर हैंकॉक अमेज़न लिली पे आती है एंड आने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करके बोलती है एंड वो जो ग्रैनी है जिसको हमने पहले देखा था वो ग्रैनी समझाती है कि जाने के लिए, क्योंकि अगर हैंकॉक वहां पर नहीं जाएगी तो उसका जो वॉरलॉर्ड का पोजीशन है वो एकदम चली जाएगी, अगर वो चली जाएगी तो उनका विलेज जो है वहां पर खतरा आ सकता है एंड वो वॉरलॉर्ड है इसलिए कोई अटैक वटैक नहीं करते पायरेट, बट अगर वॉरलॉर्ड से चली जाएगी तो अटैक करेंगे, ये होगा इंसिडेंट होंगे तो लोग मारे जाएंगे, तो ये सारे घटना होते रहेंगे, तो वो ग्रैनी समझाती है बट समझाने के बाद फिर से बोआ हैंकॉक की डायलॉग
यार कितनी मस्त है यार, सारे वन पीस फैंस के वाइफू लिस्ट में ये है ही है, मैं पक्का श्योर हूँ। बहुत जल्दी शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट करने के बाद पीछे एक बढ़िया सा बॉय हैंकॉक के कैनवस लगाने वाला हूँ, आई स्वेयर। और उसके बाद क्या, बॉय हैंकॉक बहुत दूर से सफर करके आई है एंड उसके बाद उसको नहाना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, जो बॉय हैंकॉक है उसकी जो बैक साइड है ना वहाँ पर कुछ है टैटू वगैरह, ठीक है, अगर वो कोई और देख ले तो सारे के सारे स्टोन बन जाएंगे, इसलिए उसके नहाते वक्त ना कोई आसपास भी नहीं आ सकते हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। इसके बारे में आगे बहुत सीक्रेट से मैं बता रहा हूँ। वो हैंकॉक नहाने जाती है, बहुत दूर दूर तक चारों तरफ से बैरियर लगा देते हैं ताकि कोई भी वहां पर झांक ना सके। एंड वहां पर दूसरी तरफ लूफी को पकड़ने के लिए पूजा वाले भाग रहे थे एंड लूफी गिर के एकदम से वो हैंकॉक के वहां पर चला जाता है नहाते वक्त। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी एंड वो हैंकॉक एक दूसरे से मिलते हैं भाई। और वो हैंकॉक देखती है कि एक बंदा आया भाई उसके विलेज में, विलेज ही नहीं उसको नहाते वक्त देख लिया, तो वो गुस्से में एकदम लाल हो गई भाई। तो एकदम से वो जो अपने एबिलिटी है वो हैंकॉक लव लव बीम वो यूज करती है, बट लूफी के ऊपर वो काम ही नहीं करता। वो यूज करती है बार बार बट लूफी के ऊपर वो एक बार भी काम नहीं करता। लूफी पहले डरता है बट वो हैंकॉक बार बार यूज करती है, लूफी के ऊपर काम नहीं करता है, तो लूफी थोड़ा स्पीचलेस हो जाता है। लूफी को पता नहीं कि कैसे रिएक्ट करेगा। बेसिकली वो हैंकॉक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है और सारे के सारे जितने लौंडे है उसको देख के पागल हो जाता है, इसलिए वो हैंकॉक की जो एबिलिटी है उनके ऊपर आराम से काम कर जाता है। फिर आगे बहुत कुछ हुआ जो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग वो हैंकॉक की जो बहन है उनके साथ लूफी की जो फाइट है वो बहुत बढ़िया तरीके से एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी को हम लोग हाकी यूज करते हुए देखते हैं भाई। तो ऑब्वियसली लूफी जीत जाता है एंड सारे के सारे लोगों के दिल भी जीत लेते हैं इंक्लूडिंग बॉय हैंकॉक, एंड बॉय हैंकॉक उसके प्यार में गुलुमुल हो जाती है भाई, क्योंकि पहली बार एक बंदा देखा उसने जिसको एकदम कोई परवाह ही नहीं है उसकी सुंदरता लेके, तो समझ रहे हो ना भाई अब कुछ कुछ होता है ये देख। फिर यहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट बैक स्टोरी के बारे में पता चला, जैसे कि वो हैंकॉक की बैक स्टोरी एंड फिशर टाइगर। वो हैंकॉक एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रही थी बट उसको एंड उसके बहन को किडनैप विडनैप करके वहां पर लेकर गए, जो मैंने पिछली वाली वन पीस वीडियो में समझाया था जो सेलेस्टियल ड्रैगन है वो कितने हरामी है एंड वो लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करता है, स्लेव बनाता है। तो या वो लोग वो हैंकॉक को भी बचपन में, अब आगे तुम समझदार हो, तो बेसिकली वो सारे के सारे स्लेव्स थे ऑफ टेलेस्ट्रियल ड्रैगन। तो वहां पर एक बंदा था फिशर टाइगर नाम था, वो सारे के सारे स्लेव को वहां से बचा के ले गए। ये अलग बात है कि फिशर टाइगर को अभी तक दिखाया नहीं, बस बताया उसके बारे में कि फिशर टाइगर ने सारे के सारे स्लेव को बचाया टेलेस्ट्रियल ड्रैगन से। वो अकेले आया और अकेले सबको बचा के लेकर गया भाई। और सेलेस्टियल जो ड्रैगन है वो इतने हरामी है ना, जितने स्लेव है वहां पर एकदम से एक बर्निंग मार्क लगा देते हैं एकदम भाई उनके बैक साइड में, उसके सर पे, उसके छाती पे। वो मार्क से बचाने के लिए उन लोगों को फिशर टाइगर जो है सारे के सारे स्लिप्स के बॉडी में एक अलग मार्क लगा देता है, सन मार्क, ताकि जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं उनके जो मार्क्स है वो ना रहे भाई। तो भाई आजादी सबको चाहिए एंड ये चीज इस आर्क के अंदर बढ़िया तरीके से दिखाया गया बट लास्ट में दिखाया, पहले थोड़ा फन था बट लास्ट में बैक स्टोरी मस्त थी, बहुत छोटी सी आर्क है। और ये सारे मोमेंट को साइड में रखते हैं ना, फिर आता है बेस्ट मोमेंट, जब ग्रैनी न्यूज़पेपर पढ़ती है एंड सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम लूफी को पता चलता है उसका जो भाई है एस, उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला है 7 दिन के अंदर। और जब ग्रैनी वो न्यूज पढ़ रही थी लूफी के सामने और जब लूफी को पता चला उसका रिएक्शन, आई साहब, वो देख के भाई अलग लेवल की एक फील आई। भाई के लिए एक भाई का जो प्यार है भाई वो मैं बता के नहीं समझा सकता भाई। फोटो का सुधी एस नो को काई शुके यो हप्यो शिता तरे एस शुके लुफी ये देख के शॉक हो जाता है और बोलता है कि वो जाएगा वहां पर, वापस जाने वाला है। और जैसे कि इस वीडियो के शुरू में तुम लोगों को बोला, एक नेवी एडमायरल आता है मोमोंगो नाम का बॉय हैंकॉक को लेने के लिए, बॉय हैंकॉक रिफ्यूज कर देती है नहीं जाएगी, बट इस बार बॉय हैंकॉक राजी होती है क्योंकि अब पता चलता है बॉय हैंकॉक को वो जो एग्जीक्यूशन कराने वाला है जिसके लिए सारे के सारे वॉरलॉर्ड्स को बुलाया गया
वो कोई और नहीं लुफी का भाई है। और लुफी वहां पर जाना चाहता है, वो अकेले नहीं जा पाएगा, वहां पर वारलॉर्ड है बुआ एंको, अगर उसके साथ लुफी जाएगा तो लुफी को कोई कुछ नहीं कर सकता। आई मीन लुफी छुप के जाएगा ऑब्वियसली उसके साथ, क्योंकि लुफी के ऊपर भी बाउंटी है, लुफी को भी मार देंगे। फिर बुआ एंको लुफी को अपने बॉडी में छुपा के लेकर जाता है नेवी के शिप पे वहां पर एस को बचाने के लिए। और एस कहां पर है ये तो तुमको ऑलरेडी पता है, इंपेल डाउन। इंपेल डाउन एक ऐसा जेल है भाई, ऐसा जेल है भाई, इतना खतरनाक जेल है, जहाँ पर अलग अलग फ्लोर्स है और अलग अलग फ्लोर्स में अलग अलग क्रिमिनल्स को रखते हैं। तो एस भी वहां पर है और एस को बचाने के लिए जा रहा है लुफी, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वन पीस वाली एपिसोड के अंदर, या इंपेल डाउन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वन पीस वाली वीडियो में। चलो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड मेक श्योर टू लीव अ लाइक, क्योंकि तुम्हारा लाइक रेशियो देख के पता चलते हैं तुम लोगों को अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो मेरे भाई मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर दो, कमेंट करके अपना ओपिनियन दे सकते हो अबाउट दिस आर्क कि तुम लोगों को कैसा लगा। और जितने यहाँ पर वन पीस फैन है उनको मैं बोलूंगा यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ यार, रेगुलर स्टोरी वगैरह डाल देते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो क्या कर रहे हो यार, फॉर टेक्स्ट अटैक लगा के आ जाओ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।